तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माउंटेन एयर में। यू आर एब्सोल्युटली फाइन, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने गांव में व्यस्त होंगे, अपने गांव में सक्रिय हो। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एंड्रॉइड 2022 एक्सपीरियंस एडिशन का माइलेज टेस्ट, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे दोस्त अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लिया था, उसी का करने वाले हैं आज हम माइलेज टेस्ट। तो फिलहाल उसकी पहली सर्विस जो कि कंप्लीट हो चुकी है 700 किलोमीटर पर, तो उसके बाद अब हम करने वाले हैं फाइनली उसका माइलेज टेस्ट। तो देखते हैं 1 लीटर पेट्रोल में कितने का माइलेज निकल कर आता है एंड्रॉइड रेस एडिशन एक्सपी से। तो चलिए बिना किसी देरी के मिलते हैं अब आपको सीधे रोड पर। तो दोस्तों फिलहाल अभी आप देख सकते हो मेरे सामने एंड्रॉइड रेस एडिशन एक्सपी, और अब हम निकालेंगे इससे सारा फ्यूल। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के, तो मैं कुछ बोतलें घर से कैरी करके लाया था। तो फिलहाल मैं इसमें फ्यूल की बात करूं तो 1-2 दिन पहले इसका टैंक पूरा फुल किया था, तो देखते हैं कितना पेट्रोल निकल कर आता है इससे। तो फिलहाल आप देख सकते हो हमारा 4 लीटर पेट्रोल इस टैंक से निकल चुका है, और अब मात्र 1 लीटर की बोतल में आधा सा थोड़ा सा नीचे पर ही पेट्रोल है। तो फिलहाल अभी ये बोतलें हम अपने बैग में रखते हुए, और हम स्कूटी का बंद होने का वेट नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम स्कूटी को राइड करके ले जाएंगे, और जहाँ पर स्कूटी बंद पड़ेगी वहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल इसमें डालेंगे। तो दोस्तों फिलहाल अभी आप देख सकते हो 6.6 किलोमीटर ये गाड़ी रन कर चुकी है, और अभी तक बंद नहीं पड़ रही है, और मुझे काफी अंदर से मेरे काफी गुस्सा आ रहा है कि कब ये बंद पड़ेगी। तो 8 किलोमीटर आ चुकी है और अभी तक बंद नहीं पड़ रही है। ओह नो, सिट सिट गाइस सिट। तो अभी आप फिलहाल देख, तो फिलहाल मैंने इसमें 5 या 6 बार से ज्यादा सेल्फ ले लिया है, और गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही है। तो चलिए फिर डालते हैं इसमें 1 लीटर पेट्रोल और देखते हैं कितने का माइलेज निकल कर आता है एंड्रॉइड एक्सपी 2022 के मॉडल से। तो फिलहाल अभी हमने इसमें डाल दिया 1 लीटर पेट्रोल, और अब हम करेंगे गाड़ी को ऑन। बैठ भाई। ट्रिप ए कर दिया हमने 0, और फिर राइड को करते हैं कंटिन्यू, और अब फिर अब आने वाला है मजा एंड्रॉइड एक्सपी 2022 का मॉडल का यहाँ पर माइलेज टेस्ट होने वाला है। अगर आपके पास भी एंड्रॉइड तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनी है। तो हम करेंगे इसका माइलेज टेस्ट, वो भी माउंटेन्स पर। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो भी कहा था कि हम हैं पहाड़ी बंदे, तो माइलेज टेस्ट भी होगा यहाँ पर पहाड़ों पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर एक छोटा सा ब्यूटीफुल विलेज, ब्यूटी ब्यूटी। तो फिलहाल अभी हम 6 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और जैसे कि यहाँ पर टीवीएस क्लेम करता है कि एंड्रॉइड आपको हाईवे पर देगा 47 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, और वहीं सिटी में यहाँ पर 40 और 42 के बीच आपको माइलेज मिलने वाला है। लेकिन अभी तक किसी ने आपको ये नहीं बताया कि माउंटेन्स पर कितना मिलेगा। तो विनोद सिंह पीछे से यहाँ पर काफी डरते हुए कि उनकी नई स्कूटी और इन गड्ढों में आज हम उसे दौड़ाते हुए, तो निश्चित तौर पर उनके दिल को यहाँ पर थोड़ा सा झटका लगता हुआ। तो यहाँ से आप जा सकते हैं धारी देवी 29 किलोमीटर, खेड़ाखाल 10। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे खेड़ाखाल जो कि है 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर फिलहाल हम आगे आ चुके हैं, तो टोटल हो जाएगा 20, और 20 किलोमीटर हमें रिटर्न भी आना है, तो 40, और 10 किलोमीटर हमें अब नीचे अपने गाँव के लिए भी जाना है, तो टोटल हो जाएगा 50 किलोमीटर। यहाँ पर ऑफ रोड आती हुई, और ऑफ रोड को देख कर मुझे अपनी एक्सपल्स एडवेंचर की याद आती हुई, मतलब अपनी तूफान की याद आती हुई, और मैं बहुत ही जल्द एक ऑफ रोड राइड करने वाला हूं। तो अगर आप
अभी जब एक ऑफ रोड राइड करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ दें, फोड़ दें, क्योंकि आप भी मेरे साथ चलने वाले हो उस ऑफ रोड राइड पर, तो काफी मजा आने वाला है दोस्त। रोड की हालत तो काफी खराब है, तो स्कूटी के लिए ये रोड थोड़ा दिक्कत दे सकती है। जो लोग यहाँ पर डेली चलते होंगे उनके लिए स्कूटी के आंचर पंचर ढीले होने वाले हैं मुझे लग रहा है आज। तो ये जंगल देख सकते हो आप, जलकर पूरे खाक हो चुके हैं। और अगर आप भी उत्तराखंड से हैं तो आपको पता ही होगा कि आजकल जंगलों का क्या हाल है। तो हमने इसका माइलेज टेस्ट इसलिए भी किया है क्योंकि मैं इसका माइलेज टेस्ट काफी पहले कर देता, लेकिन मैंने वो प्रिफर नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि इसकी जब फर्स्ट सर्विस होगी उसके बाद ये अच्छा खासा माइलेज निकाल कर आने देगी। दोस्तों हम रिटर्न वापसी आ चुके हैं और स्कूटी 19 किलोमीटर जैसे कि मैंने आपको बताया था 19 किलोमीटर चल चुकी है। तो देखते हैं जितना भी माइलेज निकल कर आता है हम उससे खुश होंगे क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है, भाई के पास बहुत माल है। हाँ अगर मेरी कम देती तो मेरे पास तो माल की बहुत कमी है। तो थ्रोटल की बात करें तो अभी तक ज़्यादा मैंने थ्रोटल दिया नहीं है क्योंकि रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बात करें तो मुझे लग रहा है टॉप स्पीड की तो 50 क्रॉस किया होगा मैंने, टॉप स्पीड को उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं किया है। और फिर से यहाँ पर आती हुई ऑफ रोड के पैचेस देरी और पीछे यहाँ पर सिंगापुरी बंदा काफी परेशान होता हुआ इन ऑफ रोड के पैचेस से। लेकिन स्कूटी की बात करें तो अभी तक कोई वाइब्रेशन कुछ नहीं है यहाँ पर, एकदम स्मूथली यहाँ पर चलती हुई, जीरो वाइब्रेशन है इस स्कूटी में क्योंकि अभी हाल ही में इसे एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अपने भाई के यूट्यूब चैनल पर थोड़ा प्यार दिखाओ क्योंकि मैं जितने भी ऑफ रोड है उन्हें कंप्लीट करना चाहता हूं। मेरे पास इतना माल ताल है नहीं और मुझे लगता है कुछ सालों के बाद जिस तरह नितिन गडकरी काम कर रहे हैं रोडों के ऊपर, भारत में सभी ऑफ रोडों को वो हाईवे बनाने वाले हैं जिस तरह से वो भाषण देते हैं, तो इससे पहले कि सारे ऑफ रोड हाईवे बन जाए उससे पहले मुझे उन ऑफ रोडों को कम्प्लीट करना है। क्योंकि आपको पता ही होगा पहले आज से 3-4 साल पहले तक लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था, लेकिन अब अगर आप लद्दाख की वीडियो देखेंगे तो कुछ कुछ जगह ही आपको ऑफ रोड देखने को मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था BRO की तो काफ़ी अच्छा काम किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडिया की लगभग जितने भी ऑफ रोड थी उन्हें यहाँ पर धीरे धीरे अब उनका निर्माण शुरू हो चुका है और लगभग आने वाले मुझे लग रहा है कुछ सालों के अंदर सारे ऑफ रोड खत्म होने वाले इंडिया में। तो हालांकि मेरा मानना है कि अगर इंडिया में आप घर से बाहर निकलते हो बाइक स्कूटी या फिर कार किसी से भी तो आपको ऑफ रोड ही मिलेगा, इतनी अच्छी हालत है नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे विकास हो रहा है रोडों की स्थितियां काफ़ी मजबूत होती हुई काफ़ी अच्छी खासी रोड अब बन चुकी हैं। मेरे GoPro की दोनों बैटरियाँ खत्म होने वाली हैं पर मजा लो जो इसका पेट्रोल खत्म हो रहा हो। दोस्तों फिलहाल मुझे लग रहा है एंटार कहीं पर भी अपना दम तोड़ सकती है क्योंकि ये अब हवा लेने लग गई है और देखते हैं कितना और चल पाती है। मुझे नहीं लगता 1 किलोमीटर से ज्यादा चल पाएगी। तो दोस्तों फिलहाल मुझे लग रहा है अब खत्म हो गया है, खत्म होने चल 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 उठ, एक दो बार और सेल्फ देकर ट्राई करता हूँ। तो मुझे लगता नहीं है अब स्टार्ट होगी, वैसे एक बार तिरछा करके देखता हूं। पूरा तिरछा स्टार्ट, अब स्टार्ट करता हूं।
तो दोस्तों फिलहाल अभी आप देख सकते हो फाइनली एंटॉर्क रेस एक्सपी बंद पड़ चुकी है और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एंटॉर्क रेस एक्सपी ने हमें कितने का माइलेज निकाल कर दिया माउंटेन्स पर। आप देख सकते हो हमने पहले इसमें से पूरा फ्यूल निकाला, फिर इसके अंदर 1 लीटर फ्यूल भरा और इसके बाद अपनी राइड को कंटिन्यू किया। तो फिलहाल आप चलते हैं इसके मीटर कंसोल पर और अब मैं आपको बताऊंगा रेस एक्सपी का यहाँ पर माइलेज। तो चलिए दोस्तों, तो आप इसके मीटर कंसोल पर देख सकते हो यहाँ पर कितने का, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 50.3 किलोमीटर का यहाँ पर माइलेज निकाल कर दिया यहाँ पर TVS Ntorq XP ने माउंटेन्स पर। तो फिलहाल बात की जाए इसके माइलेज से तो मैं तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि इस Ntorq XP ने हमें 50 किलोमीटर का माइलेज निकाल कर दिया। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं तब तक किसी ऐसी नहीं धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।